और कराची वालों के लिए बुरी खबर। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी इजलास में के इलेक्ट्रिक सार्फीन के लिए बिजली टैरिफ में 2.89 रुपए तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक्तसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ। ईसीसी चार निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। ईसीसी ने के इलेक्ट्रिक सार्फीन के लिए बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक टैरिफ में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। सार्फीन के लिए बिजली टैरिफ में 2.89 रुपए तक इजाफे की मंजूरी दी गयी। इजलास में एहसास प्रोग्राम के तहत 37 लाख मुस्तहकीन के लिए 29 अरब 72 करोड़ रुपए इमदाद की भी मंजूरी दे दी गयी। मुस्तहकीन को 12,000 रुपए फीकस इमदाद फराहम की जाएगी। रवा माली साल एहसास प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इजलास में मौसम रबी की यूरिया खाद जरूरियात के लिए LNG पर 96 करोड़ रुपए सब्सिडी की मंजूरी देते हुए कहा गया कि फरवरी में यूरिया के 2 लाख फाजिल जखायर के लिए 2 बंद यूरिया प्लांट्स को LNG पर चलाया जाएगा। ऐलानी में कहा गया कि एग्रीटेक फातिमा फर्टिलाइजर को जुलाई सितंबर में कम कीमत पर LNG दी जाएगी, जबकि नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के लिए 4 अरब 59 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी भी दी गयी है।